नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं श्री न्यूज और मैं हूं आकांक्षा गुप्ता। अभी तक की देश भर से पांच बड़ी खबरों के साथ मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, जो कि उन्नाव रेप पीड़ित एक्सीडेंट मामले की। उन्नाव रेप पीड़ित एक्सीडेंट मामले में सूबे की सियासत गर्म होने लगी है। पूरे मामले का राजनीतिकरण करते हुए आज सुबह कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल दुर्घटना में जख्मी हुई उन्नाव रेप पीड़िता से मिले ट्रॉमा सेंटर पहुंचा। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को पीड़िता से मिलने की इजाजत नहीं दी। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के साथ हुई सड़क दुर्घटना पर सीबीआई जांच की मांग की है। बता दें कि इस दुर्घटना में पीड़िता की दो महिला रिश्तेदारों की मौत हुई है। अखिलेश यादव का कहना है कि पीड़िता को सुरक्षा प्रदान की गई थी, लेकिन दुर्घटना के दौरान उनके साथ कोई भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था। आज की अगली बड़ी खबर है, पाकिस्तान से ट्रक भरकर आई 532 किलो हीरोइन तस्करी मामले में कोर्ट ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दस्तावेज पेश करने की निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने एनआईए को निर्देश दिए हैं कि वे 1 अगस्त को इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को पेश करें। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। आपको बता दें कि कस्टम विभाग ने पाकिस्तान से आई 532 किलो हीरोइन तस्करी मामले में पंजाब के गुरपिंदर सिंह और जम्मू कश्मीर के तारिक अहमद लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले के मुख्य आरोपी गुरपिंदर सिंह की मौत होने के बाद अब इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। आज की तीसरी बड़ी खबर है, डिस्कवरी चैनल के मशहूर टीवी शो मैन वर्सेस वाइल्ड में पीएम मोदी की शिरकत। इंटरनेशनल टाइगर डे के मौके पर जैसे ही इस शो के होस्ट बियर ग्रिल्स ने इस शो का टीजर जारी किया, उसके एक घंटे के भीतर ही ये भारत का टॉप ट्विटर ट्रेंड में शामिल हो गया। वन्य जीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए पीएम मोदी ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके कहा है कि आप इस शो में घने जंगल, डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, खूबसूरत पहाड़ों और नदियों से रूबरू होंगे। इस प्रोग्राम को देखने के बाद आप देश के विभिन्न हिस्सों में घूमना चाहेंगे और पर्यावरण संरक्षण की मुहिम का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने प्रोग्राम के लिए बियर ग्रिल्स का आभार भी प्रकट किया। बढ़ते हैं आज के अगली इम्पोर्टेंट न्यूज की तरफ, जिसके अनुसार सीमा सुरक्षा बल के अगले प्रमुख के तौर पर आईपीएस अधिकारी वीके जोनी को चुना गया है। गृह मंत्रालय द्वारा इसकी आधिकारिक जानकारी कल शाम दी गई थी। आपको बता दें कि वीके जोनी मध्य प्रदेश कैडर के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जो कि अभी मंत्रिमंडल सचिवालय में ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी पर कार्यरत है। वो 31 अगस्त को रिटायर हो रहे मौजूदा बीएसएफ महानिदेशक रजनीकांत मिश्र की जगह लेंगे। आज की आखिरी बड़ी खबर, आनंदीबेन पटेल ने आज उत्तर प्रदेश का राज्यपाल की पद की शपथ ली। इस समारोह में पूर्व राज्यपाल राम नायक शामिल थे और उन्हें राज्यपाल पद की शपथ चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने दिलाई। बढ़ते हैं आज की अगली इम्पोर्टेंट न्यूज की तरफ, आज सीमा सुरक्षा बल के अगले प्रमुख के तौर पर आईपीएस अधिकारी वीके जोहरी को चुना गया। गृह मंत्रालय द्वारा यह आधिकारिक जानकारी कल शाम दी गई थी। आपको बता दें कि वीके जोहरी मध्य प्रदेश कैडर के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जो 31 अगस्त को रिटायर हो रहे मौजूदा बीएसएफ महानिदेशक रजनीकांत मिश्र की जगह लेंगे। वीके जोहरी अभी मंत्रिमंडल सचिवालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पर कार्यरत है। आज की आखिरी बड़ी खबर में, आनंदीबेन पटेल ने आज उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद पर शपथ ग्रहण की। इस समारोह में पूर्व राज्यपाल राम नायक भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की पूर्व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को यूपी के राज्यपाल पद की शपथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस